नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, पीजीटी फाइन आर्ट्स रिक्रूटमेंट को लेकर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2015 के तहत जो केस लंबित हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई है और इसमें काफ़ी जो केसेस हैं, काफ़ी सीएम हैं वो लिस्टेड हैं और इसके ऊपर आज अंतिम बहस होनी है। और इस जो केस का असर, जो हाल ही की पीजीटी की भर्ती है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज उसको लेकर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। और जो डिटेल में चर्चा होगी वो हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज क्या अंतिम बहस हो पाएगी, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। साथियों, आपको बता दें कि पीजीटी फाइन आर्ट्स एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2015 को लेकर हाई कोर्ट में जो केस लिस्टेड है, आज वो कोर्ट नंबर 10 में लिस्टेड है और ऑनरेबल जस्टिस दीपक सिब्बल और मिसेज जस्टिस सुखविंदर कौर की जो खंडपीठ है वो इसकी सुनवाई करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो केस है ये फाइनल आर्गुमेंट के ऊपर लगा हुआ है और काफ़ी चीज़ों को लेकर इसका असर जो है पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो पीजीटी की भर्ती है जिसे अब एचपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो केस है ये काफ़ी नीचे लिस्टेड है और आज इसका जो नंबर है यानी कि जो सुनवाई है वो हमें मुश्किल लग रही है, क्योंकि 230 नंबर के ऊपर ये केस लिस्टेड है और उस सीरियल नंबर तक हमें नहीं लगता कि केसों को लिया जाएगा। और काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसमें कई तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने हैं और काफ़ी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट इसके अंदर होंगे। और इस सूरत में जो अपोजिट काउंसिल हैं उनकी तबीयत भी ख़राब है, हमें नहीं लगता कि वो आज इसके ऊपर बहस कर पाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि अंजू बंसल के टाइटल से जो केस लिस्टेड है जिसमें जो एडवर्टीजमेंट है उसको चैलेंज किया हुआ है और इसके साथ साथ जो एचटेट है उसे भी चैलेंज किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें एचटेट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर अगर कोई डिसीजन आता है तो उसका असर जो हाल ही की भर्ती है उस पर भी पड़ेगा। बाकी इसमें जो मेन अन्य केसेस हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो भी इसी के अंदर लिस्टेड हैं। अलग अलग सीएम आप देख रहे हैं, कई जो केसेस हैं सीडब्ल्यूपी नंबर हैं वो भी आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइटल से बहुत सारे केस यहां पर लिस्टेड हैं। और अगर मेन केस की इसमें बात की जाए तो आपने पिछले जो ऑर्डर हैं वो भी देखे होंगे, तो इसमें जो दो केस हैं जो काफ़ी अहम हैं जिनमें जो एचटेट है उसको और जो पाठ्यक्रम है उसको चैलेंज किया हुआ है और साथ ही जो एडवर्टीजमेंट है उसको भी यहां पर चैलेंज किया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रेणु कुमारी व अन्य और रानी व अन्य के टाइटल से ये केस हैं और इनमें जो एडवर्टीजमेंट है, एचटेट है और एचटेट का जो पाठ्यक्रम है उन सबको चैलेंज किया हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि इसमें अगर एचटेट यहां पर कोर्ट कह देता है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो एनसीटीई है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार जो पीजीटी की अगर बात की जाए तो उसमें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई टेट या एचटेट का प्रावधान नहीं है, केवल हरियाणा को छोड़कर। और ये अगर फेवर में आ जाता है तो सभी को इसका फ़ायदा होगा। और बात जहां तक हाल ही की भर्ती की है, जो एचपीएससी अब कंडक्ट करवा रहा है, अगर ये मामला उनके विरुद्ध आ गया, बच्चों के विरुद्ध आ गया, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कोर्ट की परमिशन से जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनको इसमें नुकसान होगा और वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाएगी। तो साथियों, अब आज की जो सुनवाई है वो किस तरफ करवट लेती है वो हम आपको बताएंगे। हाल ही में जो कोर्ट है वो शुरू हो चुका है और इसकी जब भी सुनवाई होगी तो हम उसकी पूरी जो सूचना है वो आप तक पहुंचाएंगे। डिटेल वीडियो जो है शाम को हम अपलोड करेंगे। तो साथियों, जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।